हाय, दिस इज मनीष शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो में हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझेंगे। ये प्राइस एक्शन का पार्ट टू वीडियो है। प्राइस एक्शन के ऊपर पार्ट वन वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसको एक मैं पूरा प्लेलिस्ट में बना दूंगा तो आपको ईजी रहेगा देखने के लिए। प्राइस एक्शन के ऊपर हम लोगों ने लर्निंग सीरीज स्टार्ट किया है, उसमें काफी सारे वीडियोस हम लोग अपलोड करने वाले हैं। सो पहले मैं आपको थियोरेटिकल समझाऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, फिर हम लोग चार्ट पे एग्जांपल्स देखेंगे। सो हम लोग एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट लेवल का मतलब ये होता है एनी लेवल फ्रॉम वेयर प्राइजेस टच एंड बाउंस बैक शार्पली। मतलब किसी भी लेवल पे प्राइजेस टच होने के बाद एकदम शार्पली बाउंस कर रहा है, उस लेवल को क्या बोलते हैं? सपोर्ट लेवल बोलते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है एनी लेवल फ्रॉम वेयर प्राइजेस टच एंड फॉल शार्पली। मतलब ये लेवल को टच हुआ और शार्पली गिर गया, उस लेवल को बोलते हैं रेजिस्टेंस। पहले मैं आपको थियोरेटिकल समझा देता हूं। तो सपोर्ट जो है वो टोटल दो टाइप के होते हैं। एक सपोर्ट होता है ऐसे, ये होता है एग्जैक्टली वी शेप। प्राइजेस फॉल हो रहा था, यहां पर ये प्राइस रेंज में आया, यहां पर सपोर्ट था और शार्पली बाउंस बैक हुआ, वापस ये लेवल के आसपास आया, यहाँ पर सपोर्ट था, ये एरिया के आसपास आया, वापस शार्पली बाउंस बैक हुआ। तो कई बार आपने ऐसा डब्ल्यू पैटर्न देखा होगा चार्ट पर, इसका मतलब ये कि ये शार्पली बाउंस बैक कर रहा है इस लेवल के आसपास से। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये लेवल को भी सपोर्ट बोला जाता है, इसको बोलते हैं राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का मतलब ये है कि ये राउंडिंग पैटर्न में सपोर्ट बनाता है। इसको भी सपोर्ट बोलते हैं, इसको भी सपोर्ट बोलते हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करो तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइस आते ही बाउंस बैक कर रहा है और यहाँ पर प्राइस सपोर्ट के रेंज में आने के बाद कंसोलिडेशन करने के बाद वापस रिकवरी कर रहा है। तो दो टाइप के सपोर्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और वीक सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का मतलब प्राइस आया, तुरंत आने के बाद में ही बाउंस बैक कर दिया। वीक सपोर्ट का मतलब ये होता है कि प्राइस आया, कंसोलिडेट कर रहा है वहां पर, फिर वापस सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर लोग मिस्टेक क्या करते हैं, अब ध्यान से समझना। प्राइजेस ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है और रिटेल ट्रेडर समझते हैं कि ये सपोर्ट एरिया है, ये कंप्लीटली रॉन्ग होता है, क्योंकि ये सबसे वीक सपोर्ट होते हैं और ये बार बार टेस्ट हो चुके हैं, मतलब ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं और यहाँ पर ये बाय करते हैं और जब ब्रेक होता है तो बहुत शार्पली फॉल होता है और फिर रिटेल ट्रेडर को बड़ा लॉस होता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कहीं पे बाय करते हैं और वो लोग सोचते हैं कि ये सपोर्ट एरिया, ये सपोर्ट एरिया, ये सपोर्ट एरिया, यहाँ पर प्राइजेस होल्ड करेगा, बाउंस बैक करेगा। लेकिन जब प्राइजेस गिरना स्टार्ट होता है, प्राइजेस यहाँ पर रुकता नहीं है, डायरेक्टली वन साइडेड फॉल करता है और इसीलिए रिटेल ट्रेडर को एक बड़ा लॉस हो जाता है। अब यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सपोर्ट है ना, ये वीक सपोर्ट है। वीक सपोर्ट का मतलब ये होता है ऐसा प्राइस लेवल जहां पर हम लोग ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वहां पर सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा। लेकिन ये जो सपोर्ट्स है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है, यहाँ पर प्राइजेस सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये सपोर्ट के बदले अगर आप ये सपोर्ट के ऊपर ट्रेडिंग करोगे तो ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। कई लोग ये मिस्टेक करते हैं, आपको ये सपोर्ट पर ध्यान नहीं देना है या प्राइसेस कंसोलिडेट कर रहा है और ज्यादातर लोग इस लेवल को सपोर्ट मान लेते हैं। ये होता है जबरदस्ती वाला सपोर्ट। जबरदस्ती वाला सपोर्ट का मतलब ये है कि आप एक प्राइस लेवल को सपोर्ट मान रहे हो क्योंकि आपको लगता है वो सपोर्ट है, लेकिन एक्चुअली वो सपोर्ट नहीं होता है, जस्ट वो कंसोलिडेशन हो रहा है। यहाँ पर भी ज्यादातर रिटेल ट्रेडर ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट लेगा। क्यों अज्यूम करते हैं? क्योंकि वो बाइंग पोजिशन में होते हैं तो उनको ये होप होता है कि यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है। वो लोग इस होप के कारण पोजिशन स्क्वायर ऑफ नहीं करते और एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक बहुत जोर से नीचे गिरता है और फिर उनको बड़े लॉसेज हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये सपोर्ट्स पे आपको ध्यान नहीं देना, ये सबसे वीक सपोर्ट्स होते हैं और ये सपोर्ट जो होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होते हैं। खासकर ये जो वी शेप जो आपको दिख रहा है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होते हैं और यहाँ पर ये पर्टिकुलर लेवल नहीं होता, 584.50 ऐसा लेवल नहीं होता है, ये 3-4 रुपए का रेंज होता है और ये रेंज में प्राइसेस बार बार सपोर्ट लेता है। एक काम करते हैं, हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। प्राइसेस यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है, वी शेप में ले चुका है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये। अब जब भी प्राइसेस यहाँ पर आने के बाद एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बनाता है या सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तब हम लोग बाइंग करेंगे। आई होप आपको सिंपल पैटर्न समझ में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का मतलब समझ में आ रहा है और लोग गलती कहाँ पे करते हैं वो भी आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में समझते हैं। रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया एनी लेवल फ्रॉम वेयर प्राइसेस टच एंड फॉल शार्पली, मतलब टच होने के बाद वो वहां पर रुकेगा नहीं, बहुत जोर से गिरेगा। तो ऐसा जब शेप बनता है चार्ट पे, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये जो एरिया है, यहाँ पर प्राइजेस ने टच किया और बहुत जोर से गिरा है, तो ये जो एरिया, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जाता है। अब आप ध्यान से समझना, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या होता है, वीक रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको भी रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये राउंडिंग टॉप रेजिस्टेंस है,
मतलब प्राइसेस रेजिस्टेंस के आसपास आया, वहां पर कंसोलिडेट किया, फिर वापस फॉल हमें देखने मिला है। इसको भी रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको भी रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन आप स्ट्रॉन्ग की बात करें तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये हुआ क्योंकि प्राइसेस आया, टच हुआ एंड फॉल शार्पली। यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, थोड़ा पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद आप ये फॉल कैप्चर कर सकते हो। लोग मिस्टेक क्या करते हैं, आप ध्यान से समझना, प्राइसेस ऐसे फॉल हो रहा है, यहाँ पर वो लोग शॉर्ट करते हैं और जब प्राइसेस ऊपर जाना स्टार्ट होता है तो उनको लगता है कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले सकता है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले सकता है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले सकता है। ये जो रेजिस्टेंस होते हैं ये सबसे वीक रेजिस्टेंस होते हैं। वीक रेजिस्टेंस का मतलब ये है, मतलब यहाँ पर हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पर एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेगा या नहीं लेगा। कई बार क्या होता है, प्राइसेस में शॉर्ट कवरिंग शार्पली स्टार्ट होता है, एक ही कैंडल में रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाते हैं, कई बार आपने ऐसा देखा होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस होते हैं ये काफी वीक होते हैं, इसके ऊपर हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसे पैटर्न्स में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन रखना जरूरी होता है और टर्मिनल में प्लेस करना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ से जब रिकवरी होती है तो बहुत फास्ट रिकवरी होती है, बहुत फास्ट प्राइसेस मूवमेंट होता है। अब प्राइसेस कंसोलिडेट कर रहा है और कई लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, ये सबसे वीक रेजिस्टेंस है। ज्यादातर लोग इसको रेजिस्टेंस क्यों मानते हैं, क्योंकि उनका शॉर्ट पोजीशंस होता है और वो लोग ये एज्यूम करते हैं कि ये रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि उनका शॉर्ट पोजीशंस ओपन है। तो इसको बोलते हैं जबरदस्ती वाला रेजिस्टेंस, मतलब मैं चार्ट पे किसी भी लेवल को रेजिस्टेंस मान रहा हूँ सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरा शॉर्ट पोजीशंस ओपन है। तो ज्यादातर लोग बायसनेस के कारण जबरदस्ती वाला सपोर्ट, जबरदस्ती वाला रेजिस्टेंस चार्ट्स पर बनाते हैं और एट द एंड ऑफ द डे उनको लॉसेस हो जाते हैं। तो आपको ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। रेजिस्टेंस मतलब एकदम क्लीन एंड क्लियर समझ लो, या तो रेजिस्टेंस उल्टा वी शेप में होगा या फिर उल्टा यू शेप में होगा, ये लेवल्स को बोला जाता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ तक हम लोग ने थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया, अब हम लोग चार्ट पे एग्जांपल्स देखते हैं। आई होप आपको यहाँ पर काफी कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के वीडियोस तो है, लेकिन बहुत सारे वीडियोस में काफी कुछ गलत सिखाया गया है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट एग्जैक्टली होता क्या है। ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये काफी वीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। और ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, इनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो और इनके बेसिस पे आप रियल ट्रेड भी ले सकते हो। बट जब भी आप ट्रेड ले रहे हो तो पैटर्न आइडेंटिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैटर्न्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, कैंडल रीडिंग्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। प्राइस एक्शन पार्ट वन में मैंने कैंडल रीडिंग सिखाया है। बहुत सारे लोगों को पैटर्न्स पता होता है लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि कौन सा पैटर्न कौन से एरिया ऑफ द चार्ट में बनना चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्राइजेस जोर से गिरा, दो कैंडल फॉर्म हुआ है सपोर्ट एरिया में और शार्प बाउंस बैक हुआ है। तो ये क्या हुआ, वी शेप वाला सपोर्ट हुआ, फिर वापस जब देखो यहाँ पर जब प्राइजेस आया है दो तीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ है, वापस यहाँ से बाउंस बैक देखने मिला है। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का मतलब बाउंस बैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ज्यादातर ये एरिया में प्राइसेस रुकता नहीं है, शार्पली बाउंस बैक करता है, एक दो कैंडल बना के ही शार्पली बाउंस बैक करता है। यहाँ पर भी आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा होगा, वी शेप दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको वी शेप दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको वी शेप दिख रहा है। जैसा मैंने आपको थ्योरेटिकल समझाया एग्जैक्टली सेम पैटर्न बन रहा है। सपोर्ट का मतलब वी शेप पैटर्न या यू शेप पैटर्न होता है। सपोर्ट का मतलब ऐसे प्राइसेस कंसोलिडेट कर रहा है और आप समझ रहे हो कि ये सपोर्ट है, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। इसको बोलते हैं जबरदस्ती वाला सपोर्ट और ये ज्यादातर लोग रिटेल ट्रेडर मिस्टेक करते हैं और इसी के कारण उनको बड़े लॉसेज होते हैं। तो ये ध्यान से समझ लेना एग्जैक्टली सपोर्ट का मतलब क्या होता है और सपोर्ट आपको चार्ट पे किस तरीके से दिखता है। और यहाँ पर आपको यू शेप सपोर्ट भी दिख रहा होगा, यहाँ पर इसने यू शेप सपोर्ट बनाया, चार पांच कैंडल कंसोलिडेट किया है बराबर और उसके बाद प्राइसेस ऊपर गया है, तो इसको भी सपोर्ट बोलते हैं। बट ये यू शेप सपोर्ट होता है जिसमें कंसोलिडेशन होकर उसके बाद सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर जाता है। तो ये सपोर्ट जब फॉर्म हो रहा होता है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, लेकिन जब वी शेप फॉर्म होता है तो हार्डली दो या तीन कैंडल फॉर्म होने के बाद वो सपोर्ट लेकर स्ट्रॉन्गली बाउंस बैक करता है। अब हम लोग रेजिस्टेंस का एग्जांपल देखते हैं। इन्वर्टेड वी आपको दिख रहा होगा, उल्टा वी आपको दिख रहा होगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये। क्यों? क्योंकि शार्पली फॉल में देखने मिला है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक ही कैंडल फॉर्म हुआ और उसके बाद वापस फॉल में देखने मिला है। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसलिए हुआ क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया में आप देख सकते हो एक ही कैंडल फॉर्म हुआ है और उसके बाद वापस हमें फॉल देखने मिला है। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं, इसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइसेस ऐसे कंसोलिडेट हो रहा है और आप समझते हो कि ये रेजिस्टेंस है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो आप ये बिल्कुल रॉन्ग एज्यूम कर रहे हो, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये सबसे वीक रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, इसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो प्रॉफिट होने के चांसेस कम होते हैं, लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
तो जो रेजिस्टेंस होते हैं वो हमेशा आपको इन्वर्टेड वी शेप में दिखते हैं, उल्टा वी शेप में दिखते हैं या उल्टा यू शेप में दिखते हैं। सपोर्ट जो होते हैं वो परफेक्टली वी शेप में दिखेंगे या फिर परफेक्टली यू शेप में दिखेंगे। तो शेप आप हमेशा याद रखना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे उतने जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। प्राइस एक्शन के ऊपर हम लोगों ने लर्निंग वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है और आपको इसमें काफी कुछ सीखने मिलेगा प्राइस एक्शन के ऊपर। ये पार्ट टू वीडियो है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम लोग अपलोड करने वाले हैं वेरियस टॉपिक्स के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।